सबसे पहले तो जो मामले आए हैं उनके बारे में जानकारी दे दीजिए। देर रात जो हमारे पास ब्लड सैंपल की रिपोर्ट हमें स्वैब के जो हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हुए थे उसमें 5 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित, जिसमें से 4 केसेस इंदौर के हैं और 1 केस है वो उज्जैन का है। वर्तमान में हम लोगों ने जो पहला स्टेप लिया था उन सभी जो 4 हमारे 5 पॉजिटिव केस हैं हमारी मेडिकल टीम्स हमारे डॉक्टर तत्काल वहाँ पर पहुँचे और उनकी जो पिछले 28 दिन की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो कहाँ कहाँ गए, किन लोगों से मिले, उनका घर का एड्रेस क्या है, घर में कितने लोग हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों ने एकत्रित कर ली है। और अर्ली मॉर्निंग इनके घरों में हमारे डॉक्टर्स की हमारे आरती की टीम गई है, वो लोगों को स्क्रीन कर रही है। अगर किसी के सिम्टम्स मिलेंगे तो हम उसको आइसोलेशन में रखेंगे और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होगा। वर्तमान में जो 5 लोग हैं इसमें से सभी की जो कंडीशन है, जो हालत है वो स्टेबल है। इसके अलावा कोई रीसेंट डेवलपमेंट होता है तो आपके साथ। सर एमआरटीबी अस्पताल में कोई डेथ हुई? एक रूमर चल रहा है सर कि एक युवती का निधन हुआ। मेरे पास इससे कोई जानकारी नहीं है, मैं पिछले काफी लंबे समय से बीसी में था अभी और मुझे डॉक्टर्स ने इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। एज ऑफ नाउ वो खबर भ्रामक होगी बट आपने अगर संज्ञान में लाए एक बार उसको मैं रीचेक कर। सर क्या जनता कर्फ्यू को कर्फ्यू में बदलने की भी तैयारी है? अभी हम लोगों की एक मीटिंग और शेष है और उसमें जो भी निर्णय होगा आपको उससे शीघ्र अवगत कराया जाएगा और आप लोगों को जो सुझाव है वीडियो बुलेटिन का वो आसान से स्टार्ट हो जाएगा। सर लॉकडाउन के लिए आदेश अब आगे बढ़ाएंगे आज ही, क्योंकि 21 दिन की पीएम ने ऑलरेडी 21 दिन की घोषणा कल शाम हो चुकी है तो हम लोगों ने एक नया आदेश तैयार कर लिया है और कंडीशंस हैं जो प्रतिबंध हैं जो प्रोहिबिशंस हैं वो एज इट इज रहेंगे। बस लॉकडाउन की जो अवधि है वो 14 अप्रैल यानी नेक्स्ट 21 डेज तक। सर जरूरी सामान को लेकर लोगों में पैनिक था, कल रात को ही ये देखने को मिला, इसको लेकर आप किस तरह की तैयारियां हैं? हम लोगों ने जिस तरह से कल रात को कुछ विशेष क्षेत्रों में लोग एकत्रित होने लगे थे किराने के शॉप्स पे मेडिकल के शॉप्स पे, हम लोगों ने तत्काल मैसेजिंग करने का प्रयास किया और अपने ऑडियो के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, एसएमएस, व्हाट्सएप के माध्यम से सब लोगों को ये अपील करने का प्रयास किया कि अभी पैनिक की स्थिति नहीं है और लॉकडाउन के दौरान भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो दैनिक जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सब्जी हुई, दवाई हुई, दूध हुए, फल हुए, ये सभी जो दुकानें हैं वो पूर्व की तरह संचालित रहेंगी, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें कोई बंद नहीं करेगा। सर सब्जी की जो दुकानें एक साथ लगाई जा रही हैं कई अलग अलग इलाकों में, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्योंकि 300-300 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रारंभिक तैयारी की थी कल हम लोग को जो इनपुट मिला था तो आज जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है चौथा सब्जी मंडी में, सुबह 5 बजे से हमारे नगर निगम, पुलिस, राजस्व अधिकारी और मंडी के भी कुछ गार्ड्स लगे हुए थे और हम लोगों ने जो दैनिक उपभोक्ता वाले कंज्यूमर्स हैं उनको अलग किया है, खेतची को अलग किया है और जो रिटेलर्स हैं उनको अलग किया है, इससे काफ़ी वहाँ पे व्यवस्था में सुधार आया है। इसके अलावा जो अलग अलग जगह पे सब्जी मंडी है हम लोगों ने लोगों को, क्योंकि अभी रोड पे ट्रैफिक कम हो गया है तो हम लोगों ने यही निर्देशित किया है कि मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस हो सब्जी के जो विक्रेता हैं उसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं।